बैक टू दी चैनल आई एम जयश्री सिद्धार्थ एंड मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करने वाली कुछ चीज़ें मैंने प्रीवियसली कुछ वीडियोस अपलोड किए रिगार्डिंग डीवाई वेब फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के रिगार्डिंग. सो उस सब्जेक्ट को आप किस तरीके से अप्रोच करोगे उसी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूँ. सो FM सब्जेक्ट जो है हमारा TYWF का, तो उस सब्जेक्ट का जो लेवल है वो CA इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसके समझ लो 70% उसके जैसा ही है. तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए इस सब्जेक्ट के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. बट सम स्टूडेंट्स हैव अप्रोच मी दैट मुझे इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियोस बनाने चाहिए क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज है FM के बारे में. सो मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं. बट जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस नहीं लगाए तो उनके लिए FM के साथ डील करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा. एंड कॉलेजेस एंड क्लासेस में भी कुछ ज़्यादा प्रोफेसर्स ने अगर अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाया तो आप ये वीडियोस फॉलो कर सकते हो. बट वीडियोस को देखने से पहले मैं कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप आपको बता देती हूँ. तो सबसे पहले ना आपको मैंने सबसे पहले जो वीडियोस अपलोड किए उसके अंदर सबसे पहला है डिविडेंड डिसीजन. तो डिविडेंड डिसीजन मैंने ये वीडियो सबसे पहले इसलिए डाला है क्योंकि इक्विटी कैपिटल जो है वो आपका सबसे मेन मतलब सबसे बेसिक सोर्सेज के अंदर सबसे पहला सोर्स है वो इक्विटी आता है. तो इक्विटी के अंदर जो कुछ डिविडेंड के कुछ फॉर्मूलाज होंगे, फिर उसके अंदर कुछ थियोरीज होगी इक्विटी कैपिटल के रिगार्डिंग. सो वो थियोरीज की आप मतलब बेसिक से शुरुआत करोगे. फिर धीरे धीरे मैंने डिविडेंड डिसीजन को खत्म करते करते मैंने फिर बॉन्ड वैल्यूएशन चालू कर दिया है. तो बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर के भी क्या होगा कि उसके अंदर आपको डेट के बारे में सारा कैलकुलेशन दिया होगा, बॉन्ड्स के बारे में कैलकुलेशन दिया होगा, उनका रिडम्पशन किस तरीके से होता है, कैसे वो इश्यू होते हैं, नेट प्रोसीड्स से क्या क्या चीजें लेस करनी होती है. तो ये सारा एक सीक्वेंस में देखोगे तभी इस सब्जेक्ट के साथ आप डील कर पाओगे. सो जब डिविडेंड डिसीजन आपका खत्म होगा तभी आप बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर के ऊपर जाओगे. बॉन्ड वैल्यूएशन काफी मतलब अगर आप अच्छे से उस वीडियोस को देखोगे, दो तीन बार देखना पड़े तो भी कुछ नहीं क्योंकि इनिशियल लेवल पे इतना हमारा कैपेसिटी नहीं होता कि हम एक साथ इतनी सारी चीजों को एक्सेप्ट मतलब कि इतने सारी चीजों को हम लर्न कर सके. तो आप थोड़े बार बार वीडियोस देखते रहना. एंड दूसरा, जब बॉन्ड वैल्यूएशन खत्म हो जाए तब आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर आना है. सो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि मतलब आपको बॉन्ड का भी नॉलेज चाहिए, डिबेंचर्स का भी नॉलेज चाहिए, इक्विटी का भी नॉलेज चाहिए. अब जब मैंने आपको इक्विटी मतलब डिविडेंड डिसीजन के अंदर इक्विटी का काफी कुछ पार्ट सिखा दिया है, अब बॉन्ड वैल्यूएशन और बॉन्ड वैल्यूएशन मतलब उसका डिबेंचर भी आपके उसके साथ ही हो जाते हैं. तो ये दो से तीन सोर्सेस ऑफ फंड आपके यहाँ कवर हो जाते हैं. एंड बाकी बचा क्या, बचा आपका सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस कैपिटल. मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग उसकी कॉस्ट कैसे फाइंड आउट होती है, उसकी मार्केट वैल्यू किस तरीके से डिटरमाइंड होती है, रिटर्न अर्निंग क्या होता है, तो वो सारा पार्ट हम कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे. सो कैपिटल स्ट्रक्चर चार पार्ट में डिवाइड है. एक तो आप रिटेन अर्निंग के थ्रू पैसा कंपनी के अंदर मतलब कंपनी का जो पैसा होगा वो आप यूज करोगे उसकी इन्वेस्टमेंट के अंदर. फिर हो सकता है इक्विटी कैपिटल कंपनी इशू जो करती है तो वो वहां से जो पैसा था वो इन्वेस्ट करी कहीं ना कहीं. प्रेफरेंस कैपिटल एंड लास्ट होता है डिबेंचर. तो ये चार टाइप्स ऑफ फंड को मिला के हम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं. सो इस तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर आपका खत्म होगा. चैप्टर खत्म होने के बाद अब आपको एक बार फिर से रिविजन कर लेना है ताकि रिविजन के दौरान आपको काफी सारे फॉर्मूलाज जो होंगे वो आप रिकलेक्ट कर पाओगे. एंड फिर आगे आगे लेवल बढ़ता जाएगा चैप्टर्स का क्योंकि फिर कैपिटल बजटिंग ऐसा चैप्टर जहां पहले आपको FM के पूरे जो प्रीवियसली आपने चैप्टर्स पढ़े लाइक डिविडेंड डिसीजन, फिर आता है कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर बॉन्ड वैल्यूएशन, इन सबके फॉर्मूलाज आपको परफेक्टली आने चाहिए तभी आप कैपिटल बजटिंग के अंदर आगे प्रोसीड कर पाओगे. क्योंकि कैपिटल बजटिंग क्या है, इन सबका एक साथ नॉलेज एप्लीकेशन यहाँ होता है. सो कैपिटल बजटिंग के अंदर भी आपको कुछ ऐसा होगा कि आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मशीनरी आपको परचेज करनी चाहिए या नहीं चाहिए, तो ऐसे कुछ सारे टर्म्स आपको यहाँ देखने मिलेंगे. एंड फिर कैपिटल बजटिंग खत्म हुआ तो फिर आपको आएगा एक लास्ट कंसेप्ट जो कि प्रोबेबिलिटी एनालिसिस. सो प्रोबेबिलिटी एनालिसिस जो है वो सबसे मतलब सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट यू कैन से सबसे स्कोरिंग टॉपिक बोला जा सकता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी एनालिसिस के अंदर कुछ ज्यादा है नहीं. इसका प्रोबेबिलिटी एनालिसिस का प्रीवियसली कोई भी फॉर्मूला के साथ या कोई भी कंसेप्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है. यहाँ जो भी आप देखोगे वो आपको एक नया कंसेप्ट ही देखने मिलेगा. बट सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको थोड़ा बहुत मार्जिनल कॉस्टिंग का नॉलेज होना चाहिए. लाइक आप मतलब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा. तो इसका इतना बेसिक नॉलेज होगा तो आपको मतलब अच्छे से आप इस चैप्टर को भी अपना एक स्ट्रेंथ पार्ट बना सकते हो. फिर इसके अंदर और होगा आपका EBIT में से टैक्स माइनस करने का, फिर टैक्स में से आप क्या EBIT में से आप इंटरेस्ट माइनस करोगे, फिर टैक्स में से आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स मिलेगी. तो ये कुछ सर्टन स्टेप्स है, बस इतना ही प्रोबेबिलिटी एनालिसिस के अंदर है और इससे ज्यादा कुछ भी है नहीं नया देखने को. सो इस ऑर्डर के अंदर आप फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आप इस सब्जेक्ट के अंदर स्कोर कर पाओगे अच्छे से अच्छा. एंड FM का मेन यही है कि जितने मतलब जितने ज्यादा इंटरवल्स में आप रिविजन करोगे फॉर्मूलाज का
उसने उतनी मतलब अच्छी तरीके से फिर आपको एफएम समझ समझ में आने लगेगा। एंड मैंने अगर मैं मेरी बात करूँ तो ये मेरा मतलब एफएम का लगभग 4 to 5 5th टाइम रिविजन चल रहा है, तब जाके मुझे इतना मतलब मैं अच्छे से उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर पा रही हूँ। तो आपको भी अगर इस लेवल में पहुँचना है तो ऑब्वियसली रिविजन तो चाहिए होंगे, एंड सारा का सारा जो भी आपका फॉर्मूला का पार्ट है उसको लॉजिक से समझोगे तो कोई भी चीज़ आपको मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं फिर से आपको सीक्वेंस के साथ बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप देखोगे डिविडेंड डिसीजन, फिर बॉन्ड वैल्यूएशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, देन आपका आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद आप बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी नहीं सॉरी कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद कैपिटल बजटिंग, एंड लास्ट आपका प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। तो ये 5 chapters मतलब 5 chapters इन सिर्फ 3 chapters है, बट उसको मैंने 5 parts में डिवाइड किया। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस में देख लेना। एंड आपकी जो भी क्वेरीज है तो वो मैंने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है ग्रोमो TYWF करके, सो उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना एंड आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। एज वेल एज आप अपने फ्रेंड्स को भी जो भी TYWF में उनको FM ऐसे कोई भी सब्जेक्ट में क्वेरीज है तो वो आप उन सबको एक साथ में ज्वाइन करने बोल देना। एंड ये ग्रुप जो होगा वो आपका एज अ लाइक सेल्फ स्टडी ग्रुप मैं बना रही हूँ। सो मेरी ये अप्रोच है कि आप खुद भी जुड़िए एंड अपने फ्रेंड्स को भी ये ग्रुप सजेस्ट कर सकते हो। विद दिस एंडिंग दिस वीडियो एंड आई होप जो भी मेरे एफर्ट्स मैंने लगाए इस सब्जेक्ट को इजी बनाने के लिए वो आपको अच्छे लग रहे हैं। एंड आपका जो भी फीडबैक हो नेगेटिव पॉजिटिव प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।